हेलो गाइस, कैसे हो। मैं मनोज, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा स्लाइडिंग वार्डरोब जिसको हम लोगों ने बना लिया हुआ है। तो चलिए फिर दोस्तों, आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाया हुआ, कैसा है हमारा ये वार्डरोब। सबसे पहले दोस्तों, हम इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है 6 फीट है और इसकी जो हाइट है 7 फीट है। और इसका जो डेप्थ है दोस्तों, उसको हम लोगों ने 24 इंच रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 इंच का 3 साइड में बॉर्डर बनाया हुआ है और साथ ही साथ नीचे की साइड में 3 इंच का स्कर्टिंग हम लोगों ने बनाया हुआ है। और ये दोस्तों हमारा 2 पल्ले का है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पहला पल्ला ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग पल्ले को खिसका लेते हैं, बहुत ईजिली दोस्तों ये रन कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में दोस्तों हम लोगों ने ओपन एरिया रखा हुआ है और इसमें हैंगर आएगा, इसमें आप अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। और इसकी हाइट हम लोगों ने 40 इंच रखा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 2 ड्रावर दिया है, यहाँ पे 6 इंच हाइट में दोस्तों ये हमारा ड्रावर है, आप इसको देख सकते हैं। और नीचे की साइड में एक सेल्फ है जो कि फिक्स है, साथ ही साथ इसके बीच में हम लोगों ने एक वर्टिकल भी लगाया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप इसमें अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख सकते हैं। अभी हम लोग दोस्तों इस साइड में चलते हैं और दूसरे पल्ले को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, एक हम लोगों ने बीच में वर्टिकल दिया हुआ है ऊपर से लेकर दोस्तों यहाँ तक। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों ने फिक्स सेल्फ का यूज़ किया हुआ है और इसमें दोस्तों हमारा ये लॉकर आने वाला है, यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख सकते हैं। और दोस्तों स्लाइडिंग को चलाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 इंच का स्पेस छोड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी स्लाइडिंग वार्डरोब को बना सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने हेटिक कंपनी का स्लाइडिंग फिटिंग यूज़ किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।